मैं आग्रह करूंगा कि सब कर्तव्यधर्मी के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का और सभी मंत्रियों का तालियों के साथ जोरदार स्वागत करें। और गांधी विचार पद यात्रा के इस अवसर पर महात्मा गांधी के प्रथम धमतरी आगमन पर एक वीडियो का प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं। धमतरी भी जब सत्याग्रह की मिसाल बना। वीडियो क्लिपिंग चालू करेंगे। इक्कीस दिसंबर 1920 की सुबह धमतरी वासियों के लिए अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक सुबह थी, जब कंडेल के किसानों द्वारा चलाए जा रहे नर सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी का धमतरी आगमन हुआ था। महात्मा गांधी के इसी धमतरी आगमन को वीडियो के माध्यम से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। थोड़ा चेक करिए वीडियो जो है। यहाँ पे बहुत से सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था और हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी स्वागत करना चाहते थे, लेकिन चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग स्वागत करना चाहते थे माननीय मुख्यमंत्री जी का, लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पे स्वागत करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के का उन्होंने आग्रह किया, इसलिए मैं सभी लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये स्वागत का जो कार्यक्रम जो है वो नहीं रखा गया है। ले करें वीडियो। मैं अब जब तक ये व्यवस्था यहाँ पे ठीक होती है जिसको आप देख पाएंगे, मैं यहाँ पे सबसे पहले स्वागत भाषण के लिए हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और अमनपुर के विधायक, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय धनेन्द्र साहू जी को मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। आज ये बहुत ही पावन भरा मैं आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश शासन के मुखिया, अमर जन जन के किसान के गरीब के मजदूर के सम्मानित नेता, परम सम्मानित मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, साथ ही यहाँ उपस्थित अमर धमतरी जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री कवासी लखमा जी, अमर प्रदेश शासन के सब वरिष्ठ मंत्रीमान आदरणीय गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय जल संसाधन कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौरी जी, शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री प्रेम साय सिंह सेकाम जी, साथ ही अमर वन विभाग मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, राजस्व मंत्री आदरणीय श्री जय सिंह अग्रवाल जी, साथ ही अमर बहुत ही वरिष्ठ सम्मानित पूर्व मंत्री पूर्व विधायक आदरणीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी, अमर महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय उमेश जी और
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री राम अवतार अग्रवाल, रामगोपाल अग्रवाल जी, हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय बहन अमर छाया वर्मा जी, साथ ही बहुत ही हमारा गौरव महसूस हुआ था। आज इस गौरव भूमि में हमारे प्रदेश के अति हमारे वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय महादेव प्रसाद पांडे जी, यहाँ उपस्थित सब हमारे सम्मानित विधायक जनमन, सब सम्मानित पूर्व विधायक जनमन और हमारे जो पुण्य धरा जिनका नाम से आज ये धरा वंदनीय है, ऐसा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के सब परिवार जनमन, यहाँ स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़े हुए सब सम्मानित जनमन और आए हुए सब हमारे गांव और अंचल के सब हमारे सम्मानित किसान भाई मन, सब माता मन, बहन मन, नौजवान साथी मन, पत्रकार मीडिया के भी सब साथी मन, आज ये पावन धरा में सब अतिथि मन के हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबके भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आज मैं ये करत हवा। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के भी समस्या माननीय अध्यक्ष मोहन लालवानी जी सहित सब पदाधिकारी मंडल भी प्रणाम करत हम। आज धन्य है हमारे पावन धरा जहां महात्मा गांधी जी के आगमन हो रही सब, धन्य है पावन धरा जहां बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के नहर आंदोलन के कारण महात्मा गांधी जी आज आए रही सब। तो आज यहां के चरण आज जहां महात्मा गांधी की पड़े रही सब, यहां के मैं मट्टी ले प्रणाम करत हूं, यहां के कन कन ले प्रणाम करत हूं, यहां के जन समूह ले आज हमन आज यहां प्रणाम करत हवन। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, आज छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद जैसे आज यहां के हर जनता ले महसूस हुआ थे कि हमारी नवा सरकार है, किसान की सरकार है, गरीब मजदूर की सरकार है, हमारे छत्तीसगढ़िया मन की सरकार है। उसने आज 125वीं महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के पावन अवसर में आज छत्तीसगढ़ आज पूरी तरह से गांधीमय हो गया है। आज छत्तीसगढ़ के आज बच्चा बच्चा में आज गांधी जी के दर्शन हुआ सब है। वहीं आज ये गांधी ग्राम में आज परम सम्मानित मुख्यमंत्री जी आज यहाँ आए हवे, वो धरल प्रणाम करे बर आए हवे। आज हमार जहाँ बापू जी आज आकर के यहाँ के आंदोलन में भाग ले रही सब, आज निश्चित तौर पे आज महात्मा गांधी जी के विचार ल जो माननीय हमर मुख्यमंत्री जी आत्मसात करे हवे, दो दिन तक के हमर विधानसभा में महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व कृतित्व के ऊपर में पूरा विधानसभा आज चर्चा करी सबे, उल्ल नमन करी सबे, वंदन करी सबे। आज ये पावन अवसर हवे, उल्ल बहुत ही सादर नमन वंदन करत हुए आज चूंकि हमन सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनना है, मैं अधिक और भी कुछ ना कहत हुए मैं यही एक मांग ल मैं यहाँ की जनता के सबो मांग जन माननीय मुख्यमंत्री जी लग हलो सब जनता आग्रह करी सब कि हमारे गांव में एक महाविद्यालय होए, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के नाम पे यहाँ के महाविद्यालय की एक नवी स्थापना होए। यहाँ की जनता की जन भावना है वाला माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखत हुए आप सब ल मैं प्रणाम करत हुए अपन बात को समाप्त करत हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अब वीडियो का जो है यहाँ पे प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष किया जाएगा, कृपया प्रारंभ करें। Oh
तो सीधी तस्वीरें आपको